हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें अच्छे होंगे। आज हम ले चले आपको ट्रैकिंग पे, कैंपिंग करेंगे हम पहाड़ों में। चलिए चलते हैं। ये दोस्तों कुदरत की कलाकारी, ये देखिए। ये दोस्तों त्यूदंग पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे हमारे बड़े भाई लोग पहले से ही थे यहाँ पे, उन्होंने हमारे लिए लंच का प्रबंध किया है। ये देखिए राजमा चावल, वाओ काफ़ी अच्छा लंच टाइम। तो हमारे भाई लोग आज जाने वाले हैं जो यहाँ पे थे, और हम दो हैं। आज रात के लिए हम कैंपिंग करेंगे, यहाँ पे कैंप लगाएंगे, और आज की रात हम यहाँ पे रुकेंगे, और कल और भाई लोग आएंगे हमारे दो तीन फ्रेंड्स, तो उनके साथ सफ़र शुरू करेंगे आगे का। हम लगाएंगे यहाँ पे टेंट अपना, ये देखिए इसके अंदर लगाएंगे हम टेंट यहाँ पे। आज रात हम यहाँ रुकेंगे, आज की रात का हमारा बसेरा, हमारा डेरा। ये देखिए हमने तैयारी चला हुआ है। ये दोस्तों हम इसके अंदर टेंट इसलिए लगा रहे हैं, जो हमारे भाई लोग थे यहाँ पे दो तीन दिनों से, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी शुरू में बाहर लगाया था टेंट, तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगी उन्हें, और जैसा तैसा उन्हें वो रात तो काटनी पड़ी, और अगले दिन से उन्होंने इसके अंदर लगाया टेंट। तो इसके अंदर सही रहा, दो तीन दिनों तक वो रहे यहाँ पे। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात को कई जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही है काफ़ी नज़दीक में ही। पता नहीं ये डराने के लिए कहा या सच था, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, अंदर ही सही रहेगा। ये दोस्तों शाम के 7:14, देखिए बंदा गया है पानी लाने। मैं यहाँ पे सब्ज़ी उठा रहा हूँ, ये देखिए सब्ज़ी, चोगिया कहते हैं इसे, जंगली सब्ज़ी आसानी से मिल जाता है जंगलों में। ये देखिए इस तरह का होता है। ये दोस्तों शाम का नज़ारा, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आग जला लिया है हमने, और अब डिनर की तैयारी कर रहे हैं हम। ये देखिए सब्जी काट लिया है हमने, ये देखिए, और ये लग गया तड़का, और इसमें हम वो दिन का थोड़ा सा दाल बचा था उसको मिक्स कर देंगे हम, दाल सब्जी चावल हमारा डिनर। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों तैयार हमारा डिनर, अब खाने की तैयारी कर रहे हैं हम। वाओ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, चलिए अब शुरू कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, हो चुका है हमारा डिनर, अब हम घुसे हैं अंदर टेंट के। ये देखिए खुड़ के अंदर लगाया हमने टेंट, इसीलिए कोई खतरा नहीं है किसी जंगली जानवर से, दरवाज़ा बंद कर रखा है हमने। बिस्तर लगा रहे हैं हम, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लगाया हुआ है हमने टेंट। आज रात के लिए हम दो ही है, और तीन लोग हमारे दोस्त सुबह आएंगे, और फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, सुबह मिलते हैं। ओके गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए सुबह हो चुका है, हमारे जो भाई लोग आ रहे थे वो पहुंचने वाले थोड़ी देर में। काफ़ी टाइम हो चुका है, लेट है बहुत, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। ये दोस्तों हम पैकिंग कर रहे हैं अब आगे जाने की, चलने की तैयारी। ये देखिए टेंट क्लोज, भाई लोग पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से। तिरछा तिरछा चलो फिर।
ये दोस्तों रोशनांग पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए रोशनांग, ये चगांव का टॉप है जहां से बाबा वैली जाने के लिए काफ़ी शॉर्टकट रास्ता है। एक सही स्पीड में चलने वाला इंसान 4 घंटे में चगांव से बाबा पहुंच सकता है। पहले ज़माने में हमारे पूर्वज, जब यहां पे सड़कें नहीं थी किन्नौर में, तो यहां से आना जाना होता था। ये देखिए दोस्तों रोशनांग की दूसरी ओर का नज़ारा, यहाँ से वो रास्ता जो बाबा वैली की ओर ले जाता है। यहाँ से थोड़ा सा उतरने पे फर्स्ट गांव कानकारंग आता है, काफ़ी नज़दीक है, आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच सकते हैं और लगभग 1 घंटे के करीब वहाँ से कड़गांव तक पहुँचने को लग सकता है। ये हम चल पड़े दोस्तों अब आगे की ओर, धूमशाकार की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये देखिए रास्ता नहीं है, वहाँ जाना है हमने, उस स्टॉप पे कल जाएंगे हम। वहाँ पे पिछले कल रात हम वहाँ पे थे, देखिए
कोशिश करता हूँ थोड़ा जूम करने की। वो जो पत्थर सा दिख रहा है वहाँ पे चिवदंग वो जगह है, फिर वहाँ से आए हम, देखिए ऐसा तिरछा तिरछा होते हुए यहाँ पहुँचे अभी। ये रासग्रामन का नज़ारा, जगहों जानी पूनंग रामनी सब दिख रहा है, तेपानंग भी दिख रहा है नीचे, ऐसी बात नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए मौसम खतरा हो चुका है। देखिए सामने थोड़ा सा ग्लेशियर है, वहां तक जाएंगे हम, वहाँ पे रुकने का सोचा है हमने, देखते जाके क्या होता है। ये देखिए भैया लक्कड़ भी साथ में लेके चले हैं, वो देखिए वो टॉप रुशनंग ग्रोसपू नजर आ रहा है, वहाँ से आए हम। हे दोस्तों 4:25 पहुँच चुके हैं हम, लगभग हमें 4 घंटे लगे वहाँ से यहाँ पहुँचने में। वो देखिए हमारे दो भाई पानी लाने जा रहे हैं और दो वहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं यहाँ सब्जी उठा रहा हूँ। ये देखिए वही सब्जी है जो कल उठाया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। आज रात को रुकेंगे हम यहाँ, चलो इसमें लगा के रुकूंगा, आइडिया से जितना लगा। ये हमारा सामान, ये देखिए हमें बारिश से बचने के लिए काफी जरूरत पड़ेगी इसकी। लकड़ को बारिश से बचाने के लिए अंदर लगाया जा रहा है। और ये दोस्तों टेंट लगाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा जगह प्लान किया जा रहा है। ये टेंट पहुँच चुका है हमारा, और मैं यहाँ से अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ, टॉर्च जला लेता हूँ। ये देखिए काफ़ी जगह है इसके अंदर, यहाँ पे भी सो सकते हैं हम, यहाँ पे खड़े रहने लायक जगह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घास है, ये हम अपने टेंट के नीचे लगा सकते हैं, काफ़ी आरामदायक बिस्तर बन सकता है इसका। चलिए मैं इसको ले जाता हूँ। ये दोस्तों लग चुका है हमारा टेंट, ये देखिए, और हमारा खाना भी बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा।
और यहाँ पे टेंट में थर्माकोल लगाया जा रहा है, देखिए। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ पानी लाने, देखिए एक बोतल और एक कैन लेकर। थोड़ी सी दूरी पर है पानी, 10 मिनट लगे मुझे शायद यहाँ पहुँचने में। ये देखिए नागिनसो बोलते हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, ये अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, डिनर भी कर लिया हमने। अब ये देखिए हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। 4% टेंट है ये, पर हम 5 बंदे हैं। ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा कंजस्टेड है ना ज़्यादा खुला है। ओके, अब मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हमारा तीसरा दिन। देखता हूँ छोड़ दो शाबाश। वाह, आलू भी दिख रहे हैं जो इसमें दुकान तो किसी को पता तो नाम मात्र क्यों लगाया, थोड़ा ढंग से लगाना था। एक नहीं वाला पक गया, एक वाला अच्छा। बात से तो पकेगा, आग नहीं कहाँ से पकेगा। ये देखिए दोस्तों, खाना खाकर बढ़ चले हम आगे। ये देखिए दोस्तों, हमें एक गुच्छी मिला है यहाँ पे, ये देखिए। वाह, काला गुच्छी। अभी इसका सीज़न भी चला है, इस बार काफ़ी कम है गुच्छी बर्फ़ कम पड़ने के कारण। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है गुच्छी ढूँढना। जो हर बार इसे ढूँढने आते हैं उनको पता होता है कहाँ पर मिलता है या कहाँ मिल सकता है। बाकी अनजान लोगों को तो एक दो मिल जाए वही बहुत है। ये दोस्तों हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है। ये पहुंच चुके हैं हम धूमशाखार, ये देखिए चोटी पर। ये दोस्तों देखिए, इसे शाखार कहा जाता है किन्नौरी में, और ये गांव के टॉप में बनाया जाता है। और ये शाखार इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि गांव में जिन लोगों का स्वर्गवास हो जाता है उनकी मुक्ति तथा अन्य शांति प्राप्ति के लिए उनके परिजन द्वारा ये बनाया जाता है। और साल में एक दिन निजाबाद रंग यानी बीच भादों के दिन बौद्ध मंत्र वाले झंडे लगाए जाते हैं यहाँ पे, और पूजा पाठ किया जाता है और परंपरागत गाने गाए जाते हैं तथा सब मिलकर मेला व नाच गाना भी होता है। और कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पे देवी देवताओं का वास होता है, इस कार्य से वे प्रसन्न हो जाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे हमारे भेड़ बकरी वालों का डेरा है, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाए हैं। अंदर देखिए थोड़े बहुत कपड़े भी रखे हैं यहाँ पे, और हर चीज़ का प्रबंध है। अभी पहुँचे नहीं है वो लोग यहाँ पे, एक डेढ़ महीना लगेगा उनको यहाँ आने में।
ये दोस्तों काठगर पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए काफी बर्फ है यहाँ पे। बहुत ज्यादा बर्फ है कांगर में। ये कटघर पूरा अब धुंध से कवर हो चुका है। जाने की कोशिश की थी वहाँ से परे, पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, पॉसिबल नहीं है पहुँच पाना वहाँ तक। और जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ तो बर्फ़ से ढका है। अब हम जा रहे हैं वापस। ये देखिए दोस्तों ग्लेशियर, काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर।